हेलो एवरीवन, पीसीएस इंश्योरेंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज चर्चा का मुद्दा है आयुष्मान भव अभियान। चलिए जानते हैं कि यह हाल ही खबर में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब जानते हैं आयुष्मान भव अभियान के बारे में। तो इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2023 को की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। इस अभियान का मकसद देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ण रूप से कवरेज प्रदान करना है। ये एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसका मकसद देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच और समावेशिता को फिर से परिभाषित करना है। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया जाएगा। ये पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। ये सरकारी क्षेत्रों, नागरिक सामाजिक संगठनों और समुदायों को एक साझा मिशन के तहत एकजुट करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी असमानता या बहिष्कार के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों। ये स्वास्थ्य विभाग अन्य सरकारी विभागों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निर्वाचित निकायों के समन्वय से ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस सहक्रियात्मकता का उद्देश्य हर गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज को आसान पहुँच प्रदान करना है। चलिए अब नजर डालते हैं इसकी विशेषता पर। तो इसके तीन प्रमुख घटक हैं। पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0। इसका उद्देश्य PMJAY योजना के तहत नामांकित शेष पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है, साथ ही सुनिश्चित करना कि अधिक व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। अगला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी HWC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC। HWC और CHC पर आयुष्मान मेले का आयोजन कर स्वास्थ्य ID बनाने और आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे शीघ्र निदान, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, विशेषज्ञों के साथ टेली परामर्श और उचित रेफरल भी प्रदान करेंगे। प्रत्येक गांव और पंचायत में आयुष्मान सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन सभाओं के माध्यम से आयुष्मान कार्ड वितरित कर स्वास्थ्य योजनाओं, महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जैसे गैर संचारी रोगों, तपेदिक, निक्षमित्र, सिकल सेल आदि, जबकि साथ ही रक्तदान और अंगदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान भव अभियान देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की नींव रखते हुए स्वस्थ गांव और स्वस्थ ग्राम पंचायत बनाने की दृष्टि से जुड़ा हुआ है। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। आयुष्मान भव अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। और दूसरा कथन, इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।